रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल मानसून सत्र शुरू हो चुका है और पहले दिन ही कार्यवाही सिर्फ 25 मिनट तक चली। विधान भवन में इस दौरान भाजपा के साथ बसपा, कांग्रेस तथा अन्य दल के नेताओं ने शोक प्रस्ताव में भाग लेकर भाजपा के विधायक अरविंद गिरी को शोक संवेदना व्यक्त की। सदन में सपा का कोई भी सदस्य नहीं आया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मानसून सत्र का पहला दिन 25 मिनट तक चला सदन। सदन नहीं पहुंचे सपा के सदस्य। सदन में महिला सशक्तिकरण की दिशा में रचेगा इतिहास। 22 सितंबर को सदन में रचा जाएगा इतिहास। सदन में सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का मिलेगा मौका। आजादी के बाद पहली बार दिखेगा ऐसा नजारा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन ही कार्यवाही सिर्फ 25 मिनट तक चली। विधान भवन में इस दौरान भाजपा के साथ बसपा, कांग्रेस तथा अन्य दल के नेताओं ने शोक प्रस्ताव में भाग लेकर भाजपा के विधायक अरविंद गिरी को शोक संवेदना व्यक्त की है। सदन में सपा का कोई भी सदस्य नहीं आया। दरअसल विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन सिर्फ 25 मिनट तक चला। इस दौरान सदन नहीं पहुंचे समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने नेता सदन अखिलेश यादव एक साथ सड़क पर ही संघर्ष किया। सदन में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया व सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव भी नहीं पहुंचे। शोक प्रस्ताव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। सपा के पैदल मार्च पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 करोड़ लोगों के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के कार्य कर रही है। गौरतलब है कि इस बार यूपी का मॉनसून सत्र महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी इतिहास रचेगा। विधानमंडल इस बार इतिहास रचने जा रहा है। सदन में पहली बार एक दिन दोनों सदनों की कार्यवाही महिला विधायकों के नाम पर रहेगी। जी हां, 22 सितंबर को दोनों सदनों की कार्यवाही महिला सदस्यों के लिए आरक्षित रहेगी। बता दें कि विधानसभा में 47 और विधान परिषद में 6 महिला सदस्य हैं। दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समितियों की बैठक में यह कार्यक्रम तय हुआ है। बैठक में तय हुआ 22 सितंबर को प्रश्नकाल के बाद सदन में सिर्फ महिला विधायकों को ही बोलने का मौका दिया जाएगा, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि उस दिन सदन में सभी विधायकों को उपस्थित रहना होगा, लेकिन बोलने का अवसर सिर्फ महिला सदस्यों को मिलेगा। प्रत्येक महिला सदस्य को कम से कम 3 मिनट और अधिकतम 8 मिनट का समय दिया जाएगा। तो उधर महाना ने दावा किया कि आजादी के बाद से पहली बार विधानमंडल में ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं